नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार बुझाई मित्र पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जन आधार 2.0 जब से लॉन्च किया गया है, मतलब कि जो नई साइट लॉन्च की गई है मित्र के लिए, तब से एक समस्या काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है। पहले अगर आप देखें तो 7 से 9 तारीख तक के लिए जो जन आधार की साइट थी उसे बंद रखने के लिए बताया गया था और कहा गया था कि सोमवार से नई साइट चालू हो जाएगी। पर अगर आप देखें तो जन आधार 2.0 में अभी तक सिर्फ नामांकन का ही, जो नया नामांकन है उसका ऑप्शन ही खुला है। बाकी के ऑप्शन अगर आप देखें तो पुरानी साइट पर चालू है। पर एक चीज़ और काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा कर रही है, वो है किसी भी जन आधार में जिसमें पुराने मेंबर ऐड है उसके साथ किसी नए मेंबर को ऐड करने का। तो ये आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वो मेंबर नहीं दिख रहा होगा कि आप किसी नए मेंबर को ऐड कर सकें। यहाँ पर एक ऑप्शन आता था जिसमें आप नए मेंबर को आप जोड़ सकते थे। तो अभी के टाइम में ये काफ़ी बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी स्कूलों का टाइम चल रहा है, उसमें लगातार जो छात्र हैं उनसे जन आधार में अपडेट करवाए जा रहे हैं। उनकी जो छात्रवृत्ति के लिए जो जन आधार है वो अपडेट करवाना अनिवार्य है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम भी ऐड नहीं है, ऐसे में बार बार उनको जो लास्ट डेट है उस हिसाब से कहा जाता है स्कूल से, और जब वो हमारे ई मित्र पर आते हैं तो हमें ये समस्या देखने को मिलती है, जिसमें आप देखें तो ऐड मेंबर का ऑप्शन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा और हमें कस्टमर को वापस भेजना पड़ता है। ये काफ़ी बड़ी समस्या है एक तरह से देखा जाए तो। एडिटिंग का भले चालू हो गया ये हम मान रहे हैं, पर ये भी साइट कभी कभी क्रैश हो रही है, फिर भी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं, पर इसे जल्दी सही कर देना चाहिए। अगर आप देखें तो इस समस्या से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है और जो हमारे कस्टमर आते हैं उनको भी हमें बार बार मना करना पड़ रहा है। तो ये जो नया जन आधार की साइट आ रही है 2.0, उसके कारण ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है, ये जल्दी अपडेट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें अभी के लिए हम यहीं मान सकते हैं कि हमें थोड़ा सा और संयम रखना पड़ेगा कि ये जो साइट है वो जल्दी अपडेट हो जाए, क्योंकि 3 से 4 दिन पहले से ही हमारे बीत चुके हैं। इसमें आप देखें तो ऐड मेंबर का ऑप्शन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा कर रहा है। तो पुरानी साइट भी लगभग वर्क कर रही है, तो आप देख सकते हैं पुरानी साइट भी आपको देखने को मिल जाएगी। पर पुरानी साइट में तो अभी आप देखें तो यहाँ पर भी आपको ऐड मेंबर का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, ये आप कंप्लीट देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ई कार्ड प्रिंटिंग का ऑप्शन हमारे पास है, स्टेटस का है, जेनरिक सर्च का है, रिसिप्ट का है, डिलीट हेड ऑफ फैमिली है, अपलोड का है, डिलीट मेंबर का है, एनरोलमेंट एडिटिंग, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपोर्ट, ट्रांसफ़र फैमिली, हेड ऑफ चेंज, ये सारे हैं। चलो एक चीज़ हमें ज़रूर फ़ायदा है कि ये एनरोलमेंट एडिटिंग का भी अभी हमारे पास चालू है, जिससे काफ़ी समस्याएं कम हो रही। पर ऐड मेंबर का ऑप्शन भी यहाँ पर होना चाहिए था, जो अब जल्दी वापस शायद तक चालू हो जाएगा। आगे भी मैंने संपर्क करके पूछा है तो ये जल्दी चालू हो जाएगी, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही ये चालू होगी मैं आपको वीडियो अपलोड करके बता दूंगा, या फिर जन आधार 2.0 में और कुछ नया अपडेट आता है तो आपको मैं बता दूंगा। तो आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये छोटी सी जानकारी थी और जो मैंने आपके साथ में शेयर की है, तो ये सभी के बंदे, आप किसी एक को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जल्दी चालू हो जाएगी। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।